बसु खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कहर से जानता मैं हूँ बादल को अच्छी तरह माया देवी का बेटा जो बलवान है जाल फितरत का ऐसा और बिछाऊंगा मैं भी तो ग्रहों का एक सरदार हूँ रात मेरे और समझ कुछ भी आया नहीं रात मेरे आया नहीं चाल वो तुम्हारे गांव का कोई बादल नाम का लड़का है उसने मेरे हाथ से चंदा को छीन लिया यानी चंदा को बादल ने छीन लिया वो साला अपनी औकात भूल गया हराम ज्यादा बादल अरे बादल तू अपनी औकात भूल गया साला झोपड़ा पट्टी में रहने वाला बाप का भी पता नहीं है वो साला अपनी औकात भूल गया है मैं हूँ बादल को अच्छी तरह जानता हूँ जानता मैं हूँ बादल को अच्छी तरह माया देवी का बेटा जो बलवान है चाल फितरत का ऐसा और बिछाऊंगा मैं भी तो ग्रहों का एक सरदार हूँ रात मेरे और समझ कुछ भी आया नहीं रात मेरे आया नहीं जाल फितरत का कैसा बिछाओ जो तुम मैं तो हरदम तुम्हारा और मददगार हूँ बादल को तुम देखो फसाओ जो तुम हायर ऐसा कौन सा फितरत का जाल बिछाओगे जिससे बादल को फसाओगे तुम कैसन अगर खामोश बैठा रहा तो ये सारा दो टके का लौंडा एक दिन हमारे सर पे चढ़ जाएगा हाँ। अगर उसको सबक नहीं मिला तो एक दिन वो साला हमारे हर काम में टांग लगाता है हमारे सर पे चढ़ जाएगा हाँ। तो उतारना मुश्किल हो जाएगा सही कहा इसलिए मेरी बात को जरा गौर से सुनो बोलो यार काटे बात मेरी अपना बना वो अभी मंदिर में मूर्तियां जो है भगवान की जाओ उठा करके फौरन लावो अभी जिस बात का डर था उस मंदिर में कोई पुजारी रहता है अब वो पुजारी इस टाइम हमारे कब्जे में है हाँ। मंदिर में मूर्तियों की रखवाली करने वाला इस टाइम वहाँ कोई नहीं है कोई नहीं है पूजा करने के बहाने डाकू का भेष बनाओ और जाओ वो मूर्ति उठाकर हवेली बनाओ फिर देखो भोला पुजारी और उस बादल को हम कहाँ पहुँचाते हैं चिंता मत करो यार आज चाहे सारे गांव को आग लगाना पड़ जाए या मंदिर को उड़ाना पड़ जाए आज किसी भी हालत में मूर्ति अपनी हवेली पर होगी यह कहर दिन का वादा रहा और अब तूने बादल तेरी जिंदगी नर्क नहीं बना दिया तुझे बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर अस्पष्ट नहीं है क्योंकि हम केवल जमींदार ही नहीं हम गिरोह के सरदार भी हैं हमारा नाम है ठाकुर अजगर सिंह हम वो अजगर ठकराल है जो डसते नहीं सीधा निकल जाते देखा शुक्ला साहब कितने अच्छे इंसान थे हैं लेकिन अब तो बिगड़ ही गए अब देख लो यानी पैसे के खातिर अपना सब जमीन पर बेच दिया और क्या अरे चलो हमको क्या करना है जैसा जो करेगा वैसा पाएगा वो तो है जैसी करनी वैसी भरनी सही कहते हो क्योंकि साहब जो हमारे ओ नमस्कार नमस्कार आपकी तारीफ मेरा नाम बादल है अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छी बात कैसे क्या आना हुआ नमस्ते नमस्ते हमारे साथ में आई है क्या कोई काम पड़ गया क्या परेशान हो हमारे बाबूजी दो दिन से घर से लापता हो गए तुम्हारे बाबूजी दो दिन से लापता है हाँ साहब
तो ऐसा नहीं कोई रिश्तेदारी भी चले गए हो, जाओ देखो ढूंढो। अरे सारी रिश्तेदारियों में पता कर लिया गया है, कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं, कहीं भी नहीं गए। पहली बार रिश्तेदारी जाते तो हमसे बता कर जाते, कोई पता नहीं चलना हमारे बाबू जी कहाँ चले गए, हम कैसे रह गए। ज्यादा चप्पर 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 बात कर, जब एक इंसान एजुकेट बात कर रहा है, काम का चप्पर चप्पर बात कर रही है। हमारे बाबू जी के सिवा हमारा कोई नहीं है सर। अरे परेशान है भाई, कोई एप्लीकेशन वगैरह दो तो पुलिस का काम है कि उसको ढूंढ निकालना। इसीलिए तो हम आए हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब नहीं है, वो नहीं है। तो ठीक है, ये एप्लीकेशन साहब को दे दे। ठीक हो गया एप्लीकेशन देते वक्त, ठीक हो गया एप्लीकेशन। अरे ये सब ठीक चलना क्या होता है, हमको बड़ा डर लग रहा है साहब हमारे बाबू ना लायक कहीं की। डरने की कोई बात नहीं है, जब आप लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, अब ये पुलिस का काम है तुम्हारे पिता को कहीं पल्ले के ढूंढ निकालना। नहीं साहब ये बात नहीं है, हमारे बाबूजी खुद कहा करते थे कोई काम करते वक्त छींक हो जाए तो अब शगुन हो जाता है। तुम्हारे बाबूजी को ढूंढ निकालेगी, परेशान मत हो चंदा, क्योंकि अब पुलिस का काम है और फिर पुलिस पब्लिक की रक्षा करने के लिए होती है, परेशान मत हो। क्यों बादल, ये पुजारी भोला पुजारी नाम है। भोला पुजारी आप जानते हैं? अरे जानते नहीं, उसमें नाम आपने लिखा है। अच्छा अच्छा, जाओ वो पुजारी। हाँ हमारे बाबूजी मंदिर के पुजारी थे। ओ 8 तारीख से लापता है। ठीक है, आप लोगों ने अपने किसन दे दिया है तो अब हम लोग भोला पुजारी को कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ निकालेंगे, आप परेशान मत हो। हाँ साहब, हमारे बाबूजी का पता लगाना, हम उनके बिना जी नहीं सकेंगे। अरे तुम नहीं जी सकते हो तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अपने किसे दे दिया परेशान क्यों होती हो, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हम कैसे रहेंगे बाबू? अरे रहोगे तो हम क्या करें, कहाँ रहोगे, रहो अपने घर। पुलिस का काम है, जाओ। ओ नमस्कार नमस्कार। ओ शुक्ला यार, भोला पुजारी बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा तो नहीं है किसी से दुश्मनी वगैरह हो है? ये तो भाई हम लोग तो जान नहीं सकते, मगर ऐसा वो पुजारी इंसान था, दुश्मनी तो हो नहीं सकती है। सही कहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे ठाकुर साहब, आप थाने में, मैं कुछ जानना चाहूंगा। और कहो ठाकुर, कहो ठाकुर यहाँ कैसे हुआ आना तुम्हारा, कहो ठाकुर। और बताओ बात तुम सारी, ये सब थाना तुम्हारा है, बताओ। ठाकुर साहब, आप तो ऐसा मालूम पड़ता कि हाथ से कुछ गिर गया। इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊं, ऐसी अनहोनी हमारे गांव में हो गई है जो कभी नहीं हुई थी। हाँ साहब, और बताओ बात क्या ताबू, बताओ बात क्या ताबू, बताओ बात क्या ताबू, मुझसे न जाता है।
और हुई मंदिर, हुई मंदिर में चोरी आज है, समझ में ना आता है। हुई मंदिर में चोरी किस तरह, और मुझको बता तो, और किया ये पाप है किसने जरा, मुझको बता तो किया ये किया किसने चोरी आपको, सच सच बताता हूँ, लिखो मेरी रपट फौरन तुम्हे सब कुछ लिखाता हूँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ठंडा वगैरह लेकर के आओ। जमींदार साहब आए हैं। हाँ साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मंदिर में मूर्तियों की चोरी हो गई है, अब हम क्या करेंगे साहब? मंदिर में वो चोरी है ठाकुर हुई कैसे, मुझको बतलाइए हाँ पापी किया, ऐसा ये काम है जल्द फरमाइए। यानी आप उसका नाम जानना चाहते हैं? बोलिए। चोरी किसने किया है? कौन साला है वो? हो गया घर से गायब है वो। क्या कहा? भोला पुजारी। इंस्पेक्टर साहब, जो मंदिर की रखवाली करता था, जो मंदिर में पूजा करता था, वो भोला पुजारी आज 3 दिन से गायब है। अच्छा, वो 3 दिन से गायब होना उसका मकसद था, यानी उसकी प्लानिंग थी मूर्ति चोरी करने की। कहीं वही प्लानिंग तो नहीं जो तुम हमने बताया था कि 10 करोड़ का मामला है? तो हम बताने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, 10 करोड़ का सोना हमारे हाथ लगने वाले था, और जब 10 करोड़ का सोना हमारे हाथ लगता उसमें से 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको भी मिलता। कहने का मतलब भोला पुजारी ने ऐसा किया, दूध ही पी गया, माठा बनने की नौबत ही नहीं आई, सारा का सारा सोना और सारी मूर्तियां खुद अकेला ही निकल गया। अब हमको अपनी नहीं, अब हमको अपनी नहीं, हमको टेंशन इस बात की है आपका 3.5 करोड़ का हिस्सा गया। यानी उसने सारा मिशन खराब कर दिया, उसने अकेले ही काम दिखा दिया, हम लोगों का मिशन बर्बाद हो गया। आप प्रेशर किस बात की करते हैं? उस साले अगर ऐसी हरकत किया है तो दुनिया के कोने में अपनी सारा कब्र बनवा लेगा, लेकिन इंस्पेक्टर सागर उसे जमीन से भी खुदवा लेगा। मेरा भी यही कहना है इंस्पेक्टर साहब, भोला पुजारी जहाँ भी मिल जाए उसको मार मार कर अपाहिज बना दो, और उससे ये मालूम करो वो मूर्ति है कहाँ, और हाल में वो मूर्ति हासिल करना है इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। उसको पकड़ना और मूर्तियों का पता लगाना मेरी जिंदगी का मकसद है इंस्पेक्टर साहब। हमारा मकसद बस यही है कि 7 करोड़ हमारा और 3.5 करोड़ तुम्हारा चला गया। ओफो, ज्यादा मत कहो वरना हमको अटैक हो जाएगा। पहली बार तुम्हारे हाथ 3.5 करोड़ की दौलत लगने वाली थी, वो तो साला ऐसा झटका दिया जो तुम्हारे हाथ से बताओ तुम्हारा हिस्सा भी चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है मुड़े जा रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं है। आप बहुत जल्दी भोला पुजारी की तलाश करिए। ठीक है, आप जाइए, वो हरामजादा कहाँ छुप करके रहेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हिस्से की चिंता है, बार बार
याद मत दिलाओ। जाइए साले चाय की पड़ी है, खोलने वाला है। ये चाय लेकर के जाओ, हमारे लिए कोई डॉक्टर तलाश करो, ऐसा ना हो कोई डॉक्टर को बुलाना पड़ जाए। ठीक है साहब, अच्छा इजाजत चाहूंगा, जा रहा हूँ। होना पुजारी की तलाश करो, बहुत जल्दी उसको मार करके जेल भेजो। अरे मैं भाई अपने 3.5 करोड़ के बारे में सोचो। जाओ यार, हरामजादे भोला आ रहा हो तेरी तलाश में, तेरी हड्डी पसली तोड़ करके सुरमा बना दूंगा मैं। पूरी जिंदगी नौकरी करोगे फिर भी 3.5 करोड़ कमा नहीं पाओगे। सही कह रहे हो। और एक हफ्ते 3.5 करोड़ मिलने वाला था, साला टपक ले गया भोला पुजारी। यही हरामजादे भोला, अरे जाओ यार। अब ये सारे सिपाही कहां मर गए? जय हिंद अपने घोंसलों हर वक्त सालो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हुआ क्या? नहा धो के साले पीछे पड़े हो, गाली तैयार करो। एक ही बहुत खतरनाक मुजरिम है, उसके तलाश को मुझको करना है। बात साहब बहुत आग बबूला हो रहे, हर बातें वक्त पूछा करो। चलो मेरे साथ गाड़ी तैयार करो। हम गरम हैं, हम जानवर हैं, हम कोई बकरी भेड़ी घोड़िया भैंस हैं, हम गरम हैं। तो सालों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आए हम गरम हैं तो हमारे दौड़ना लगाओ, आपका बिलाक ले चलो। अगर हम गरम हैं है? तो हमारे लिए कोई सानी ढूंढो या तो कोई भैंसा तलाश करो। अरे ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं सर बता रहे हैं, मतलब दिमाग आपका गरम है। हम पागल है तो हमको बरेली ले चलो, पागल खाने में बंद करो। साला उल्लू का बट्टा, साला जमीन पर हगने वाला, तो कर तुम साहब आसमान में हगो। बॉडीगार्ड मजा तो अब आएगा, ऐसा षड्यंत्र हमने रचाया है, ऐसा जाल बिछाया है, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। कहर सिंह है मेरे यार, कहर सिंह। हाँ यार, मजा आ गया दोस्त। कैसा मजा? मूर्ति उठा लाए? हाँ मूर्ति अपने कमरे में रखी है। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा भाई, वो सोने की मूर्ति खूबसूरत क्यों नहीं लगेगी? लेकिन मेरे यार हमने क्या षड्यंत्र रचाया है? क्या तुम मूर्ति चोरी करके हवेली पर ले आए हो? और हम थाने में रिपोर्ट लिखा आए हैं। क्या बात है? क्या बात है? भाग रहे हो? भागे ना तो जेल जाए। तुम बेवकूफ हो साले, हम तुम्हारी एफआईआर क्यों लिखाएंगे? तुम हमारे दोस्त, अगर तुम्हारी एफआईआर लिखवाएंगे तो क्या तुम्हारे साथ हम भी जेल जाएंगे? मतलब किसकी एफआईआर? मतलब यह है, अब कहने का दिमाग देखो, दिमाग हमारा देखो। मूर्ति चोरी तुमने किया है, चोरी हमने लिखाया है भोला पुजारी को, तो और भोला पुजारी हमारे कब्जे में है। भोला पुजारी 3 दिन से हमारे कब्जे में है। हाँ? अब हम उस इंस्पेक्टर को कहे हैं कि भोला पुजारी मूर्ति चोरी कर ले गया, 3 दिन से वो गायब है। हाँ? वो गायब था, वो तो हमारी हिरासत में है। और उस इंस्पेक्टर को हमने क्या कहा था? हाँ? कि अगर वो मूर्ति हमारे हाथ लग गई, हाँ? तो 3.5 करोड़ का हिस्सा हम आपको भी देंगे। हाँ? लेकिन अब ऐसा हमने षड्यंत्र रचाया है, अब चोरी हम ना हम किए हैं ना तुम किए हो। हाँ? मूर्ति हमारे पास है, कहा मूर्ति तो चुरा कर ले गया भोला पुजारी, अब जाकर के भोला पुजारी से हिस्सा लो।
कितना ठेक निशाने पर तेरे मरे हो यार। अब भोला पुजारी को पकड़ने के लिए वो पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। उसके 3.5 करोड़ का झटका इतने जोर से लगा है, वो सारा करंट जैसे लगा है उसके ऊपर कूद रहा है। बता करो, भोला पुजारी की पुलिस तलाश कर रही है। अब भोला पुजारी को छोड़ दो, भोला पुजारी को हम छोड़ देंगे और पुलिस फौरन उसको टपक लेगी, मजा तब आएगा। पुजारी जी, वाकई में आप बहुत महान इंसान हैं, बहुत महान इंसान हैं। अबे खोल इनको, बेवकूफ कहेंगे इतने बड़े धर्मात्मा आदमी बेचारे। तुम्हारे भगवान हमारे सपने में आए थे, कह रहे थे भोला पुजारी को छोड़ दो, वो बहुत अच्छा इंसान है। ठाकुर साहब, हम पहले कह रहे थे काम गलत है और देखा आखिर में अब सुधर गया, बहुत अच्छी बात है। सुधर गए हैं। कहते हैं ठाकुर साहब, अगर सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते। आप शाम की बात कर रहे हैं, हम तो सुबह के भोले दोपहर में ही घर आ गए। अरे कहां साले हुआ, मछली मारे आएगा। बहुत अच्छा है, अब जाइए, अब आराम से जाइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। मरा वैसा साला है। अब ये तेरा पुलिस की कस्टडी में जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बाहर विदेशियों के पास फोन करते हैं, कस्टमर बुलाते हैं और फिर मूर्तियों को हम बेचते हैं। एक बड़ा फिट है लेकिन एक बड़ा फिट दो ही रहेगा। या भगवान, आज 3 दिन हुए, ना जाने हमारे बिना चंदा कैसे घर हो, चल के अपनी बेटी को मिलना चाहिए। कौन है रे तू, इतने सुनसान जगह में अकेला घूम रहा है इतनी रात को? साहब जय राम। नमस्ते बोलो, जय हिंद बोलो, हम पुलिस वाले हैं। साहब हम भोला पुजारी हैं। साहब तू ही है भोला पुजारी? हाँ साहब, हम हैं। हमका पूरी चौहद्दी पूरी जवार जान देगा। कहाँ जाए, कहाँ भेज रहे? और पुजारी की कब्री और खुल गई सारी पोत, पुजारी जी सब तेरी खुल गई सारी बोल, और मंदिर की मूर्ति कहाँ जल्द चुपा से बोल। और गरीब कब से क्या बात है और जो करे आप तक रात, कहिएगा क्या बात है जो करे आप तकरार, और मंदिर से क्या वास्ता है मेरे सरकार। तूने मंदिर में चोरी की आपेक्षा, तूने मंदिर में चोरी की आपेक्षा, और कहता है मंदिर से क्या बात है, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, बोलते बोलना है दिल का रास्ता। सच बता दे, बहुत सारे मंदिर से क्या वास्ता, सारे चोरी की है मंदिर में साहब, और बता रहे हो मंदिर से क्या वास्ता। साहब और झूठ बोलो नहीं, और पुजारी हूँ मैं, ठाक कहे ताक सब अपने ठाक
हमदर्द दवाखाना हो साले? क्या बात नहीं साहब? कौन सी टेबलेट हो? जो इंसान भगवान की पूजा करेगा वही इंसान चोरी करेगा। इनका बहुत जल्दबाजी है, बहुत हमदर्दी आ रही। हाथ ऊपर करो, भगवान मिल जाए। हाथ ऊपर, कौन हम जान रहे हैं कि होली कहीं दूसरी जगह जल रही है और बल्ला भोंसले कहां तो खोस रहे हैं। किसी ने हमदर्दी किया तो इससे बुरा हाल मैं तुम लोगों का बना दूंगा। सालो हमदर्द दवा खाना हो, सालो बोलो मत। जब बोलते हो तो मालूम पड़ता कहीं साली नुकुही बोल रही है। नाम से तेरे कारण जारी हुआ। अब सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। अब असली दिन साहब बात जो है, मेरे नाम से वारंट है मेरे पास। अब हकीकत हम बताने जा रहे हैं साहब, असली दिन बात है। तो एक दिन पुरवाया कर और दिन अपने फाल एक दिन पुर देखो कैसी खता माफ करता तेरी में। देखो कैसी खता माफ करता तेरी और खुला रास्ता अदब है दूर नहीं। मुझसे बात किसके हक है और हर एक बशर माफ करता किसी का कुसूर नहीं। परसों की रोज अजगर सिंह अपने भवन बुलवाई नहीं। अच्छा। अपने दोस्त कहर के हाथ तो कहर सिंह जब आए तो हम साहब हूँ अगेन और चोरी की तैयारी कहर और अजगर खुद करते रहे। अच्छा। और हमसे कहते रहे ऐसा करो पुजारी मूर्ति उठवाई लाओ, तुम अजगर से तुम कहर सिंह चले जाओ और उम्मा हिस्सा तुमको दीबा। अच्छा। वो दोनों तैयारी बनाए रहे हैं और हम जब नायक मानन साहब तो हमका बंद कई दिन कमरा में है। अच्छा। आवाज तीसरे दिन छोड़नी है। एक मतलब साहब है चोरी वह चोरी की हम मालूम वो शरीफ इंसान भले इंसान सारी जनता करती उनका सम्मान और जमींदार और इज्जतदार उनको भी साले लपेट रहे हैं। वाह वाह साहब, बहुत तरक्की करोगे।